वो जो कल जो ट्रेन पकड़े थे वो हमने छोड़ दिया अभी है। ये ट्रेन हमें पूरा हाँ जी D1 डी आगे D1 आगे वो ट्रेन पकड़ लिया और ये ट्रेन में जाएंगे और ये ट्रेन हमें ले जाएगा जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक। आपको नाम नहीं बताऊँगा अभी भी, पहुँचने के बाद ही आपको नाम बताऊँगा। और ये मेरे भैया हैं, मेरे भैया मेरे तक यहाँ तक छोड़ने आए थे और यहाँ तक छोड़ दिए। अब इनका ट्रेन कितना है? 6:15 इनका ट्रेन है। ये 5:15 पे निकल जाएंगे और हमारा ट्रेन 5:35 पे है। थोड़ा लेट है, 15 मिनट और आराम से आप जाइए। हम लोग का टेंशन मत लीजिए, हम लोग चल जाएंगे। हमारे साथ तो आप लोग होना दस तक आराम से जाएंगे। बाय। बस अभी मैं गर्म पानी लेने आया था और स्टेशन पे गर्म पानी मिलना बहुत मुश्किल है, पर मुझे मिला कॉफ़ी शॉप में। यहाँ पे कॉफ़ी वाले मशीन से नॉर्मल गर्म पानी निकाल के दे रहे हैं, पर वो बिकॉज बहुत गर्म है। बिकॉज दोस्तों मैंने पानी तो ले लिया पर बोतल चिपटा हो गया, चिपटा ही नहीं कुछ अलग भी हो गया। और बिकॉज ट्रेन हॉर्न भी मारने लगा निकलेगा, मैं फटाफट दौड़ता हूँ नहीं तो मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा भाई। दोस्तों अभी ट्रेन चल चुका है और इधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। सुबह का टाइम है, अभी कितना टाइम हो रहा है, सुबह का 5:43 हो रहा है और अभी कितना अंधेरा नहीं हुआ है। बस रास्ता देखो कितना धुंध धुंध हुआ है, पूरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ट्रेन भी बहुत स्लो जा रहा है, बहुत लेट है। अपना सीट एक ये है और एक वो ऊपर वाला है, और ये 3 सीट वो भैया का, एक ये भैया का 2 सीट है और अपना 2 सीट है, और एक अंकल है उनका 2 सीट है। तो बिकॉज हम लोग इधर हैं और ये किसी और का सीट है। मैं अभी इनसाइड वो आए नहीं है तो मैं सोचा मैं ही बैठ जाता हूँ, थोड़ा खिड़की का मज़ा विंडो का मज़ा ले लेते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ट्रेन में एक यही होता है जो आदमी मिल बांट के बैठ सकता है विंडो के पास। कभी एक मैं आया, कभी दूसरा कोई आया, आराम से बैठो। तो ट्रेन धीरे धीरे झटका दे रहा है, क्यों भाई? ट्रेन देखो कितना लंबा है, बहुत लंबा है। और सुबह सुबह का इतना ठंडा ठंडा हवा भाई सहन नहीं हो रहा है, इसलिए दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। यहाँ से ग्लास लगा हुआ है, ग्लास से वीडियो बना सकते हैं आराम से। बिकॉज एक प्रॉब्लम आ गया है, जो हम जो सीट है हमारा, वो सीट का जो विंडो है ना, वो विंडो नहीं खुल रहा है, लो हो गया है। वो लो होने की वजह से खुल नहीं रहा है, उसीलिए मैं अपना सीट पे बैठा नहीं हूँ, इसलिए आके दरवाजे के पास वीडियो बना रहा हूँ। भाई किस्मत ही ख़राब हो गया, अपना तो पुपट हो गया। पर कोई नहीं, जो साथ में है भैया उनका सीट मैं ले लिया हूँ, वो मेरे सीट ले लिए हैं, उन्होंने मेरे को अपना सीट दे दिया, बोले तुम भी बैठो, बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। मज़ा ले रहे हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम भी है भाई, ये ट्रेन का कुछ टाइम टेबल नहीं है। जहाँ तहाँ जब मन तब रोक दे रहा है, जंगल वंगल में इधर कोई स्टेशन नहीं है, फिर भी ट्रेन रुका हुआ है। और एक जगह रुका हुआ था, वहाँ पे तो 1 से 1.5 घंटा रुका हुआ था, तब वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जंगल था और अंधेरा भी था, मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर इधर थोड़ा अच्छा था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। और
भाई अब मैं उठ के से उठ गया भाई, बहुत ज़्यादा ऊँचा है ना। उच्च, मैंने माइक नहीं लाया, माइक नहीं लगाया बिकॉज माइक बैग में है, आवाज़ कुछ कम आ रहा होगा कोई नहीं। ऐसे में सोचा रुका हुआ है, ऐसे ब्लॉग बना लेते हैं बिकॉज मैं अभी ज़्यादा ब्लॉग करूँगा नहीं, क्योंकि दीदी ने मना कर रखा है। और ब्लॉग करेंगे ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बस जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, ऐसे फुल रास्ता का नहीं करूँगा। जब जो अच्छा चीज जाएगा, जो दिखाने लायक होगा वो दिखाऊँगा। ये दोस्तों, ये देखिए भारतीय पेट्रोल पंप, सब के अंदर पेट्रोल है, बहुत बराबर है ये, इतना बराबर है, इसमें एक में 200-300 क्विंटल आ जाता होगा पेट्रोल, और सॉरी लीटर ज़्यादा ही आता होगा, बहुत बराबर है। और बिकॉज नीचे से पाइप लगाया हुआ है जैसे पेट्रोल निकाल सकते हैं, और इधर साइड साइड में सब पाइप बिछा है, और उधर गाड़ी में पेट्रोल भरा भी रहा है उस साइड। भाई अपना ट्रेन देखो कितना लंबा है, इंजन हो रहा, और हम लोग इतना बीच में बिकॉज हमारे पीछे भी है अभी उतना लंबा। अभी रात के 11:45 हो रहा है, और मैं अभी थोड़ा देर पहले सो के उठा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा नींद लग रहा था, तो मैंने सो गया। अभी देखा मैं शाम को, मतलब कितना 6-7 बजे करीब सो गया था, अभी उठा तो देख रहा हूँ रात का 11:45 हो गया है। तो ट्रेन कहाँ पर चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, अभी नेट में देखेंगे कहाँ चल रहा है। सॉरी, बरौनी जंक्शन यहाँ पर रुका हुआ था, अभी जस्ट निकला यहाँ से, तब मेरा नींद खुला सभी यहाँ से ट्रेन चल दी है। और यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, मैं पहले भी आया था यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा है, मैंने यहाँ पे घूमा है। बस अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ट्रेन अभी तो स्लो है, बोल के मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ऐसे आया था टॉयलेट करने के लिए, अभी जा रहा हूँ अंदर, मैं सीट पर बैठूँगा नहीं तो सो जाऊँगा भाई, नींद बहुत ख़राब से लग रहा है, के जवान है। चलो दोस्तों मिलेंगे कल सुबह। भाई साहब तगड़ा वाला सुबह में धुंध फोक हो रहा है, मैं सामने का कुछ नज़र ही नहीं दिख रहा है, ट्रेन इतना स्लो जा रहा है, और बिकॉज सुबह हो चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाई ये फोक देख के ना कुछ अलग फीलिंग हो रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ट्रेन बिल्कुल ही स्लो, पहले 2 घंटा लेट था, फिर 1 घंटा बढ़ाया, 3 घंटा, अभी डायरेक्ट 5 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन, और क्या होगा अपना नहीं पता। और ट्रेन में ओ भाई बहुत ठंडा हवा आ रहा है, लोक ना हुई हो तो ना, तो फिर ना खुलेगा भाई, यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं जाए। चलिए अभी ब्रश व्रश करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। भाई अभी मैंने मुँह को सब धो लिया है, और ट्रेन गोरखपुर में रुका है, और इधर ट्रेन देखो भाई, उनको कुछ समझ नहीं है शायद, इसी का वजह से कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, जब हमें यहाँ से वहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है तो ड्राइवर को लास्ट टाइम में कैसे दिखाई, सिग्नल है और गाड़ी इधर रुका है, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। अभी मैंने मुँह को सब ब्रश व्रश सब कर लिया, चाय वाय पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है। कर बैठा है।
गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर। टेंडर सारे भाई गन्ना चोरी हो रहा है। ओए ट्रेन चल दिया, रुको चल गया, जाओ कालो सर इधर भाई आगे आ जाओ। और आप लोगों ने शाम को देखा है गन्ना चोरी हो रहा था कैसे, मैं उस टाइम तो ब्लॉग बनाया नहीं, अभी याद आया, मैं तो बोलना भूल गया था इसलिए अभी बोल दे रहा हूँ। वो गन्ना हमारे ग्रुप का जो हमारे सीट पे भैया लोग बैठे हुए थे वही गए थे लाने के लिए, और बिकॉज लाने वाले थे ज़्यादा, पर ट्रेन चल दिया बोलते, वो तीन चार ही उठा के चल रहा है, तभी भी बहुत मीठा था, बहुत मजा आया भैया, थैंक यू गन्ना लाने के लिए। और बिकॉज वो भैया नीचे बैठे हुए हैं, अभी मैं अभी लोग एंड कर रहा था इसलिए बोला ख़त्म कर देता हूँ इधर ही कहानी। दोस्तों अभी वीडियो का एंड करने का टाइम हो गया है, बिकॉज ट्रेन काफ़ी लेट हो गया, कब से 10 बजे का टाइम था, फिर 11 बजे हुआ, अभी बता रहा है रात को 2 बजे उतारेगा, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ कल सुबह उतारे, क्योंकि रात को स्टेशन वाला रहने का झमेला ख़त्म हो जाएगा, कल सुबह निकलेंगे ट्रेन से उतरेंगे फिर सीधा गाड़ी पकड़ के दीदी के घर, बिकॉज आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, फिर कल एक बार दिल्ली स्टेशन से आप ब्लॉग रेडी करूँगा, स्टार्ट करूँगा भाई, इधर से स्टार्ट नहीं करूँगा, और बिकॉज आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले बाय बाय, और ब्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जरूर, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।